टमाटर ले लो टमाटर। साहब सुबह से कुछ नहीं बिका, लेना साहब। कैसे दिए ये टमाटर? भैया जी 2 रुपया किलो। अरे इतने अच्छे टमाटर 2 रुपया किलो, दाम गिर गए क्या? नहीं साहब, दाम तो नहीं गिरे, 12-13 रुपए किलो बिकते हैं, लेकिन आज नहीं बिके तो कल ये सड़ जाएंगे और हमें इसे फेंक देना पड़ेगा। कोई नहीं भैया, हम करते हैं अभी इसका कुछ। नमस्कार सार्क, मैं हूँ निक्की कुमार झा। और मैं रश्मि झा, और हम दोनों भाई बहन आए हैं भागलपुर बिहार के एक छोटे से गाँव से। सार्क, अभी जो आपने यह विकट समस्या देखा, यह समस्या सिर्फ इनके जैसे सब्जी वालों का नहीं है, यह समस्या है हमारे देश के 10 करोड़ से अधिक किसान का और करोड़ों फल और सब्जी विक्रेताओं का। और ऐसा नहीं है कि यह समस्या को सॉल्व नहीं किया गया है, कई सारे सॉल्यूशंस आए इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन आज तक इस लेवल पे डिसेंट्रलाइज नहीं हो पाया कि इनके तक पहुंच पाए। तो इनके समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम लाए हैं सप्तकृषि सब्जी कोठी। हम लाए हैं प्यारा प्रोडक्ट सब्जी कोठी। सब्जी कोठी एक स्टोरेज है जिसमें हम हमारे फल और सब्जी को स्टोर करते हैं, तो उसके सेल्फ लाइफ में 3 से 30 दिनों की बढ़ोतरी होती है और बिल्कुल हमारा सब्जी तरोताजा और सुरक्षित रहता है। और साथ ही साथ आपको जान करके यह आश्चर्य होगा कि बिना किसी केमिकल को यूज किए हुए, बिना किसी रेफ्रिजरेंट को यूज किए हुए, बिना किसी प्रिजर्वेटिव को यूज किए हुए, आपके फल और सब्जी को नया जीवन प्रदान करता है। या अटक से लेकर के कटक तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, आप किसी भी टेम्परेचर में किसी भी ई रिक्शा, ठेला, ट्रक, किसी भी ट्रेन पर डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसको चलने के लिए सिर्फ 10 वाट बिजली, मतलब सिर्फ उतना बिजली जितना आपके सेलफोन को चार्ज होने के लिए चाहिए, और 2 लीटर पानी 1 वीक में चाहिए है, और इसका मेंटेनेंस भी 0 है। तो सार्क, मैं जिस जगह से आया हूँ, मैंने वहाँ पे करोड़ों किसानों को फल और सब्जी को बर्बाद करते हुए देखा है। तो सार्क, हम इस सब्जी कोठी के मदद से कृषि की दुनिया में क्रांति लाना चाहते हैं और साथ ही साथ हम पर्यावरण को भी बचाना चाहते हैं। हम आप सबों को जुड़ने के लिए न्योता देते हैं और साथ ही इसमें हम 60 लाख का मांग अभी कर रहे हैं, जिसके लिए हम अपने कंपनी का 2.5% इक्विटी देने के लिए तैयार हैं। निखिल, रश्मि, वेलकम टू शार्क टैंक। ये आपकी वैल्यूएशन कितनी हुई इस पे? वैल्यूएशन इज एनीथिंग अराउंड लाइक 20 करोड़। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपकी एज क्या है? आप लोग इसमें मतलब कैसे घुसे? आपने पढ़ाई वढ़ाई करी है इसके ऊपर, या क्या है कि इसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करी? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सर ये है कि जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं IIT कानपुर से डिजाइन में PhD का स्टूडेंट हूँ। वाओ, तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग मेरा पैशन भी रहा है। उसके पहले मैं मास्टर्स किया हूँ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस में, और वह भी विश्व के सबसे पुराने यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी से। और उसके भी पहले मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है। तो मेरा जो डाइवर्स टेक्निकल बैकग्राउंड है, वह मुझे बहुत मदद किया है इस सब्जी कोठी को डिजाइन करने के लिए। तो रश्मि भी इंजीनियर है? सर, मैंने बायोटेक्नोलॉजी कर रखा है। अच्छा। तो मैं इसका साइंस पार्ट देखती हूँ, मतलब किस वेजिटेबल को कितने टेम्परेचर पे, या फिर उसके पीछे का साइंस क्या होगा, तो वो स्पेसिफिक काम मेरा है, बाकी टेक्निकल पार्ट भैया ही देखते। वाह वाह वाह, आप क्या कॉलेज 10 साल की उम्र में गए थे? नहीं, क्योंकि आपकी उम्र तो इतनी लग नहीं रही है, और आपने 3-4 डिग्री कर रखी है। ये 26 इयर्स के हैं, मैं 21। अभी आगे क्या करना है इसका? सर, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग आकर के थोड़ा सा इसको देखें। ये एक छोटा सा डिवाइस है जो इसके अंदर लगा हुआ है। जैसे कि यह कोई भी फल और सब्जी है सर, तो यह एक गैस इमिट करती है जिसका नाम इथिलीन गैस है, C2H4 गैस। वो जो इथिलीन गैस है, वह रिस्पॉन्सिबल है फल और सब्जी को पकाने के लिए और उसको सराने के लिए, मतलब इसी से निकलता है, फिर इसी पे एक्ट करता है। तो जो इथिलीन गैस निकलता है, तो सबने क्या किया कि इस इथिलीन को इसके अंदर अरेस्ट कर दिया, मतलब इसको इथिलीन को बाहर ही नहीं निकलने देंगे, तो ये पकेगा नहीं, और पकेगा नहीं तो सरेगा नहीं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि मैंने बोला कि नहीं, नेचर ने कहा है कि इथिलीन बाहर निकलेगा, अगर नहीं निकलेगा तो उसका हेल्थ इम्पैक्ट है, जो हम लोग फ्रिज में रखे फल और सब्जी को खा करके भोग रहे हैं। तो हमने सोचा कि नहीं, इसको बाहर निकलने देते हैं। वंस इट कम्स आउट, वी इलेक्ट्रॉनिकली हमने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन वाटर वेपर में। यह एक पार्ट था सर। सेकेंड पार्ट, आपका फल और सब्जी जो है सर, वो ससेप्टेबल है पैथोजेनिक अटैक के। अगर आपका फल एसिडिक इन नेचर होगा तो फंगस अटैक करेगी, अगर बेसिक इन नेचर होगा बैक्टीरियल अटैक होगा सर। तो हमने क्या किया, इस चैम्बर को नियर स्टेराइल बनाया। अब इसमें बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ नहीं होगा। अब थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग था कि हमको फ्रेश रखना था, तो फ्रेश रखने के लिए हमने इसमें हाई ह्यूमिड जोन भी क्रिएट किया। जो ये है, ये ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है।
ये ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है। और जो इथिलीन गैस को कैप्चर करना था वो कौन सा डिवाइस है? वो इसके अंदर लगा हुआ है सर, हमने इलेक्ट्रॉन नीचे वाले डब्बे के अंदर, नीचे वाले डब्बे के अंदर वो लगा हुआ है, और नियर स्टेरिलिटी का भी डिवाइस। और जो इसकी बैटरी है वो भी यहीं पे? हाँ, इसकी बैटरी यहीं पे है। थैंक यू, बहुत ही सही टेक्नोलॉजी है बॉस, दम में। अगर काम करती है तो इट इज इनक्रेडिबल। यस। कितने साइजेस में अवेलेबल है? 250 kg, 500 kg और 1000 kg। एंड इसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस? मैम, सेलिंग प्राइस 10,000 है और हमारे लिए बनाने का लागत 5,000 रुपया है। 10,000? मेरे को एक मेन चीज बताइए, एक आप ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं, एक आप इथिलीन गैस को कैप्चर करते हैं, वो जो छोटा सा पंप टाइप व्हाइट कलर का पड़ा है वो दो काम करता है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि मैं इसको प्रोडक्ट बनाऊं, इथिलीन कैप्चर को एक प्रोडक्ट बनाऊं और वेयर हाउसेस पे बेचूं कि आपके यहाँ पे जहाँ पे भी स्टोरेज स्टोर्ड है आप ये यूनिट लगा लीजिए और आपको जैसे भी स्टोर करना है करिए। आपने ये जो आसपास ये जो पीवीसी का लगाया और ये टेंट बनाया है, ये थोड़ा गिमिक ही नहीं है? अगर आप कहीं पर भी अपने फल और सब्जी को रख देते हैं जहाँ पे कि ऑलरेडी मोल्ड्स पहले से प्रेजेंट हो, फंगस पहले से प्रेजेंट हो, तो वो फिर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा सर। तो इसीलिए यह आउटर कवरिंग इसलिए जरूरी है कि मोल्डिंग मतलब जो पैथोजेनिक अटैक है वो ना हो। चलो आपकी बात मान ली कि ये बाहर वाला भी जरूरी है, तो आपने इसको मॉड्यूल क्रेट के लेवल का क्यों नहीं बनाया? आपने उसको बड़ा क्यों बना दिया? सर, हम एक बड़े क्रेट में ऑलरेडी बनाए हुए हैं जो आपका 40 kg स्टैंडर्ड क्रेट आता है। हाँ सर, स्टैंडर्ड क्रेट में एक्चुअली दिक्कत कहाँ पे आई कि जो 20% स्पेस होगा क्रेट का वो पूरा, क्योंकि इसमें पानी का भी आवश्यकता होता है, पानी का एक अलग चैम्बर बनाना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट 20% जो एरिया होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जिस तरह से क्रेट स्टोरेज होता है, आप एक सिस्टम बना सकते हो जैसे कि प्लांट इंटीग्रेशन के लिए बनाया जाता है। True. कि वो छोटे छोटे टैंक बने और वो पानी एक सेंट्रल सिस्टम से आ रहा है, तो वो भी हो सकता है। हाँ, आप अगर एलैबोरेट सिस्टम देखें, आप कह रहे हैं आपको रिटेलर को जो सब्जी मंडी वाला है उसको ठेले वाले को बेचना है, तो आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी बताइए। सर, हम माइक्रो फाइनेंसिंग पे जाना चाहते हैं जहाँ पर कि वो सिर्फ 1,000 रुपये या 1,500 रुपये में दे करके ये कर ले और हमें हर मंथ 300-400 रुपये देता रहे। तो कोई बड़ी संस्था की जरूरत पड़ेगी जो इसके पीछे खड़ा रहे। बिल्कुल, और जब सर हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे तो इसके लिए भी हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमें। तो अभी तक आपने कोई फंडिंग उठाई है? हाँ सर, हमने ऑलरेडी 2 साल पहले इन्वेंट फंडिंग उठाई हुई है। प्री सीड था 5 करोड़ के वैल्यूएशन पे जब हमारा ये आइडिएशन स्टेज में था। कितना उठाया था? 15 लाख रुपए। उसके बाद हमने कई सारे प्रेस्टिजियस ग्रांट जीते क्योंकि ये काफी इंपैक्टफुल प्रोडक्ट है और इसको नेशनल और इंटरनेशनल कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें कि यार अवार्ड्स नहीं, अवार्ड्स तो मिल सकते हैं क्योंकि है प्रोडक्ट में दम है। अभी हम फंडिंग का पूछ रहे हैं। तो आपकी ये वैल्यूएशन सीधा 5 से 24 का सफर क्या है? सर, बेसिकली यह एक बहुत ही इंपैक्टफुल प्रोडक्ट है। समझ गए। हाँ, 24 की वैल्यूएशन कहाँ से लाए? तो बेसिकली सर, हमने ऑलरेडी 5 करोड़ के वैल्यूएशन पे हमने उठा लिया था और उसके बाद से हमने कंटिन्यूस प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। उसके बाद अभी हमारे पास प्री ऑर्डर्स भी हैं, हमें उसको भी ये करना, और ऑलरेडी हम अपना भी पैसा लगा करके फैक्ट्री सेटअप कर चुके हैं। यार मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत कन्फ्यूज हो चुके हो। आपको जो बनाना है ना, सिंपल एक क्रेट बनाना है, उसका नाम रखना है स्मार्ट क्रेट, और वो क्रेट में आपको ये सब चीज़ें यूज करके मिनिएचराइज करके करना है, ताकि क्रेट में मैं अगर 20 किलो का सामान रखना है तो चलो मैं 18 किलो भी रख सकूं, बट मेरे को पता है मेरा सामान ज़्यादा चल जाएगा। जो आप बोल रहे हो ना, मैं प्रोडक्ट में PhD कर रखी है, वो आपने अभी तक अप्लाई नहीं करी है। आपको एक ही प्रोडक्ट बनाना था जो कि था क्रेट। अगर आप बोलते हो कि मैं क्रेट बनाने पे एफर्ट डालूंगा तो मैं आपको ऑफर देने के लिए तैयार हूँ। भाई मैं आपको मेरा भी फैसला सुना देता हूँ। मुझे रिटेल में इसका मार्केट बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो इस वजह से मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ, बट टुडे आई कैनॉट बी विद यू, आई एम सॉरी। और मैं भी निकी रश्मि फैसला बना चुका हूँ। मेरे को लगता है कि आप लोग कुछ बड़ा कर सकते हो इस इंडस्ट्री में, बट मेरे से ज़्यादा हेल्प आपकी अश्नीर भाई कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने ग्रोफर्स वगैरह, उनको ये इंडस्ट्री का मालूम है। तो फॉर दैट रीज़न आई एम ऑल्सो आउट। मुझे भी लगता है कि आप अभी प्री रेवेन्यू हैं, तो मुश्किल है आपको वैल्यू करना, सो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। आपका जो प्रोडक्ट है, उनके फीचर्स है, उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि 10,000 सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि आप प्री रेवेन्यू है, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप वो कर पाएंगे, तो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। थैंक यू। देखो भाई, आपके पास अभी भी एक ऑफर है,
नहीं नहीं मैंने अभी ऑफर दिया नहीं है, मैंने मैंने आपको सिंपल सवाल पूछा है कि आप ये सब कुछ छोड़ के क्या आप एक स्मार्ट क्रिएट बनाने के लिए तैयार हैं? सर उसमें मुझे फिर से पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज से जाना होगा। एग्जैक्टली अगर आपसे बन सकता है आप अगले सीजन में आ जाना क्रिएट लेके और आपकी टर्म पे मैं पैसे डाल दूंगा। यू प्रॉब्लम मेरे को क्लियर है बट आज के दिन में इस पे सॉरी आई एम ऑल्सो आउट। और अपसेट मत हो, आप अपसेट लग रहे हो, खुश रहो। नहीं अपसेट क्यों, अपसेट गुड गुड चीयर अप। चलो थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट मी, बेस्ट ऑफ लक, बाय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।